हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास इलेवेंथ का फिजिक्स और टॉपिक हमारा चल रहा है तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तरलों के यांत्रिक गुण। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अभी हमने जस्ट ये चैप्टर स्टार्ट किया है और अभी तक हमने इस चैप्टर में लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड हम किसे कहते हैं, फिर पास्कल का नियम, तरल दाब के लिए पास्कल का नियम। पास्कल ने दो नियम दिया, एक बिना ग्रेविटी के विदाउट ग्रेविटी और दूसरा अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ। ये दो नियम हमने पढ़ा और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पास्कल का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर पास्कल के इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलता है। तो पास्कल का जो तरल दाब का नियम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे सभी टॉपिक में उसका यूज़ होना है। ओके, तो ये मैंने प्रीवियस क्लास का आपको याद दिलाया कि क्या क्या हमने पढ़ा था। ओके, तो हमारे सभी स्टूडेंट्स आ गए, आर्यन, सुशील, पूर्वी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, विनय, आलोक, मोहम्मद अमीर, शुभम सिंह, विमलेश सिंह। ओके, प्रियदर्शिनी, मोहम्मद अमीर मलिक, नीरज गुप्ता, हिमांशु सिंह, मिस्टर जीके, नीरज गुप्ता, पीसीबी विवेक, डब्बूधर, तो स्वागत है। वॉइस वीडियो सब क्लियर है अच्छे से आप लोग को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सिंकू पाठक, आंचल जायसवाल, मनोज चौधरी, आलोक यादव। ओके, वेरी गुड। अभी सभी स्टूडेंट्स नहीं आ पाए क्या? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको अपने अनएकेडमी के लाइव क्लास, जो स्पेशल लाइव क्लास है, इसके बारे में बता दूं। मेरा फिजिक्स का स्पेशल क्लास 9:15 में होना है। रोज की तरह आज भी यह क्लास 9:15 में होना है। आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, अभी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं मोशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रहों की गति। उपग्रहों की गति के मैं वहाँ पर न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ और साथ ही मैं वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर लेके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें फिजिक्स पूछा जाता है, पूरे कॉम्पिटिशन का तैयारी आपको अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बिना किसी फीस के हो रहा है। इसके लिए आपको कोई फी डिपॉजिट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप स्पेशल क्लास में बिना फी के आ सकते हैं। यदि आप कोई क्लास, कोई कोर्स के लिए आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड जेपी सर लाइव यूज़ कर लीजिए। आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, आईआईटी का एग्ज़ाम, तो बहुत सारे क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। उस क्लास को आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं उसका। इस क्लास के लिए आपको कोई फी पेड नहीं करना है। इस क्लास में हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा रहा हूँ और इस क्लास में आपको ज्वाइन करने के लिए आप अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर, और वहाँ पर ऐप में जाके हमारा प्रोफाइल सर्च करिए, हमारा प्रोफाइल आप फॉलो कर लीजिए जितेंद्र पांडे सर करके, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप जेपी सर लाइव का कोड यूज़ कर लीजिए। ओके, आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? गौतम कुमार, कील का ऊपरी सिरा चौड़ा, निचला सिरा नुकीला क्यों होता है? बताऊंगा आगे मैं आपको। ओके, चलिए अब देखो, तो इस क्लास को आप ज्वाइन करिए, आज 9:15 पर क्लास में आइए। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे
तरल के यांत्रिक गुण, तरल के यांत्रिक गुण में जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पास्कल का नियम, मैंने पढ़ा दिया था। आज तरल दाब के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे पहले, फिर टोरेसली का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को अपने को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि तरल दाब का जो एप्लीकेशन है जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, देखो ये इंग्लिश नाम ही है, इंग्लिश में भी इसको अपन हाइड्रोलिक लिफ्ट ही कहेंगे, स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इंग्लिश में ही अपन उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। देखो लिफ्ट का मतलब आप समझते हो, इसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लिफ्ट का मतलब आप समझते हो कि लिफ्ट एक ऐसा डिवाइस है जो भारी सामान को, भारी सामान को क्या करता है, उठाने का काम करता है, एक जगह से उठा के दूसरे जगह शिफ्ट करता है, या लोडिंग अनलोडिंग के काम आता है, खासकर जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जो अपन पढ़ेंगे ज़्यादातर ये शिपयार्ड में, बंदरगाह वगैरह में काम आता है, शिप से बहुत हैवी सामान को लोडिंग करने का भी, अनलोडिंग करने का काम आता है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल के नियम पर काम करता है, उसी के बेस पर इसको बनाया गया। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो फाइनल इक्वेशन आएगा उसमें से कई बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना ये होता कैसे है। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट का पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन करा के बता दूं कि इसको बनाया किस तरह से जाता है। देखो इसमें इस तरह का सिचुएशन आप देख रहे हो यहाँ पर, और एक पिस्टन यहाँ पर लगा होता है, पिस्टन का मतलब पिस्टन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम दाब आरोपित करेंगे तो वह क्या होगा, जो सरफेस है वो ऊपर उठने लगेगा या नीचे दबने लगेगा, उसको हम पिस्टन कहते हैं, ठीक है। जैसे व्हीकल वगैरह में पिस्टन लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर में हाइड्रोलिक लिक्विड भरा जाता है, हम यहाँ पर वाटर भी इमेजिन कर सकते हैं, या एक्चुअल में जब हाइड्रोलिक डिवाइस बनाया जाता है तो एक अलग तरह का आयल यूज़ किया जाता है जिसको हम हाइड्रोलिक आयल बोलते हैं, एक अलग तरह का आयल ही होता है इसके। लेकिन यहाँ पर मान लो कोई भी लिक्विड है, आप यहाँ पर वाटर भी सपोज कर सकते हो, तो ये कोई लिक्विड इसके अंदर में हमने भरा हुआ है, ओके। इसके अंदर हम ये कोई लिक्विड इस तरह से भरे हुए हैं। ये सिरा जो आप देख रहे हो, ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। आप चित्र में देख रहे हो कि सिरे ए का मान लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सिरे ए के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मान लो हमने A1 माना है, और सिरे बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मान लो हमने A2 माना है। तो यहाँ पर क्लियर आप देख रहे हो कि A2 का जो वैल्यू है वह बड़ा है किससे, A1 से। A2 का वैल्यू A1 से बड़ा है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे हमको यहाँ से किसी वस्तु को उठाना होता है, किसी भारी वस्तु को, वास्तव में लिफ्ट का जो बेसिक रोल ये है कि सपोज हमारे पास 10 न्यूटन का बल है और हमको उठाना है 50 न्यूटन के बल से किसी पिंड को, तो बल तो हमारे पास 10 न्यूटन का ही अवेलेबल है, अब उसको 50 कैसे बनाएं। तो ये एक सिस्टम है जो आपके 10 न्यूटन के बल को 50 न्यूटन कर सकता है, ये लिफ्ट का सबसे बड़ा रोल है, मतलब एक तरह से एक टेक्नोलॉजी है।
एक टेक्निक है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम की सहायता से क्या है हम उसको यूज़ में लाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर मान लो हम इसमें बल लगाते हैं, ये इस पर मान लो हम इसमें एफ वन बल लगाते हैं इस सिरे पर, यहाँ पर मान लो प्रेशर पी वन है, यहाँ पर प्रेशर पी वन है, तो जब यहाँ पर हम एफ वन बल लगाएंगे, मतलब इस पिस्टन को जब हम नीचे दबाएंगे, तो ये प्रेशर, ये फोर्स इधर कार्य करेगा द्रव, और ये ऊपर की ओर इस दिशा में कार्य करेगा, इस दिशा में कार्य करेगा। मान लो यहाँ पर एफ टू बल हमको प्राप्त होता है, और इस तीरे पर मान लो प्रेशर क्या है, पी टू है। और यहाँ पर कोई वस्तु हमने रखा है, सपोज हमने यहाँ पर कोई कार रखा हुआ है, ये या कोई भारी वस्तु रखा है, ये कार को हमको यहाँ से उठाना है। यहाँ तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ लिखा हूँ ए टू। अब इस कार को हमको क्या करना है, ऊपर उठाना है, तो कार को ऊपर उठाने के लिए इस पर इस तरह से हमको एफ टू बल यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। तो देखो काम कैसे करता है सिस्टम, मैंने आपको क्या बताया कि इस ए सिरे पर, ए सिरे पर जब हम बल लगाएंगे तो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण इस सिरे पर हमको बल मिलेगा, और यहाँ पर मान लो एक कार रखा हुआ है या कोई भी भारी सामान रखा हुआ है, तो वो क्या है, ऊपर उठेगा। इस तरह से ये कार्य करता है। लेकिन अब हमको यहाँ पर यह बताना है कि हम यहाँ पर कम बल लगा के यहाँ पर ज़्यादा बल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन में आप देखो, अब हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझें सिरे ए पर, सिरे ए पर ये सिरा ए है, और इस सिरे ए पर जो दाब आरोपित किया गया है पी वन, सपोज यहाँ पर दाब आरोपित किया है पी वन, तो पी वन बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल वहाँ पर एफ वन लगाया गया है, और क्षेत्रफल वहाँ का कितना है, ए वन है। तो यहाँ पर इस सिरे पर जो आरोपित दाब है पी वन इक्वल टू एफ वन अपन ए वन होगा, और सिरे बी पर यदि हम सिरे बी पर बात करें तो पी टू इक्वल टू हो जाएगा एफ टू अपन ए टू, पी टू इक्वल टू एफ टू अपन ए टू। बट पास्कल के नियम से हमको पता है कि पी वन बराबर क्या होगा, पी टू, कि द्रव के स्थिर अवस्था में प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, दाब समान होता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखो कि पी वन पी टू के बराबर होगा पास्कल के नियम से। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि पास्कल ने बताया था कि द्रव के सतह के प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा, और पी वन इक्वल टू पी टू होने पर यदि हम इसको दोनों का वैल्यू को यहाँ पर आगे साल्व करें तो दैट इम्प्लाइज हमको क्या मिलेगा, पी वन का वैल्यू क्या है अपने पास, पी वन का वैल्यू है एफ वन अपन ए वन इक्वल टू एफ टू अपन ए टू, ये होगा। दैट इम्प्लाइज आगे इसको हम साल्व करें तो एफ टू को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा एफ वन अपन एफ टू, एफ वन अपन एफ टू और इक्वल टू ए वन उधर चला जाएगा तो हो जाएगा ए वन अपन ए टू, ये होगा। आगे मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं पर करूँ तो ज़्यादा बेटर है ये। यहाँ तक क्लियर आपको? अब चूंकि हमको पता है, यहाँ फिगर से आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से आपको बताया है कि ए टू बड़ा है ए वन, क्योंकि यहाँ का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह यहाँ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बड़ा है, इसी प्रकार से इसको डिजाइन करके बनाया ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है ए टू बड़ा है ए वन से, तो चूंकि ए टू का जो मान है वह ए वन से बड़ा है, देयरफोर अब यहाँ पर देखो ए टू का मान ए वन से बड़ा है, तो दाहिने पक्ष में ए टू का मान, मतलब हर का मान, अब भिन्न के नियम से जब हर का मान दाहिने साइड में बड़ा है तो बाएं तरफ के भी हर का मान बड़ा होगा, तो बाएं तरफ जो हर का मान है वो क्या है, एफ टू है, तो देयरफोर क्या हो जाएगा, एफ टू ग्रेटर देन एफ वन। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमने कम बल लगाया था, यहाँ पर जो हम बल लगाए थे वह कम था, देखो यहाँ पर एफ टू ग्रेटर देन एफ वन, और यहाँ पर हमको जो बल प्राप्त हुआ F2 ये ज़्यादा मिला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मान लो हमारे पास 10 न्यूटन का बल है और हमको मान लीजिए 50 न्यूटन का कार्य करना है, 50 न्यूटन के बल से कार्य करना है, तो देखो यहाँ पर संभव हो जाता है। दैट मीन्स लिफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि यदि हम लिफ्ट में कम बल लगाएंगे तो दूसरे साइड में हमको ज़्यादा बल प्राप्त होता है, इसी कारण लिफ्ट में हम
बड़े भारी सामानों को, भारी भारी सामान को, हैवी बॉडीज को बहुत आसानी से उठा पाते हैं। ये लिफ्ट का काम है। ये कहलाता हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसको हाइड्रोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर से, लिक्विड के प्रेशर से ये काम करता है। एक्चुअल में इस तरह से लिफ्ट का क्या है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, पूरा हमको शिपयार्ड में इस तरह का लिफ्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, देख लीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ओके, थैंक यू इंडियन, थैंक यू सो मच। इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस स्लो है, अच्छा आवाज स्लो है, ठीक। थोड़ा कम है, अच्छा। ठीक, कुछ करते हैं उसके लिए, है ना, फिर अभी तो लाइव क्लास में हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसके लिए फिर थोड़ा चेक करते हैं सिस्टम अपना, है ना। आप बक्सर से हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात। आवाज को प्रॉब्लम है सबको, चलिए तो फिर ठीक करके नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाता हूँ इसको मैं। हो सकता है कहीं पर सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर टॉर्सोली का प्रमेय। फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगा, क्या मतलब, समझ में तो आना चाहिए ढंग से ना। कुछ लोग बोलते हो सही है, कुछ लोग बोलते हो गड़बड़ है, क्या बात है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडली दाब। वायुमंडली दाब या टॉर्सोली का प्रमेय, वायुमंडली दाब टॉर्सोली का प्रमेय। ओके, देखो वायुमंडली दाब क्या होता है, जो वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल के एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है, वह एयर हम पर जो तो दाब आरोपित करता है या पृथ्वी के सतह पर जो दाब आरोपित करता है वर्टिकल नीचे, ऊर्ध्वाधर लंबवत नीचे की ओर, वो वायुमंडली दाब कहलाता है। क्यों दाब आरोपित करता है वो, हमने पढ़ा है कि पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी भी द्रव के अंदर हम चले जाएं तो हमारे ऊपर जो डीजीएच या रो जी एच,
जो वाटर का कालम बनता है या किसी भी लिक्विड का जो कालम बनता है वह क्या होता है, दाब आरोपित करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर ये कोई आदमी है, सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं इस तरह से, और ऊपर में क्या है इसका, एयर है, ऊपर में एयर के पार्टिकल्स हैं, ऊपर में एयर है, तो ये एयर का जो कालम, ये एयर का कालम हमारे सिर पर मान लो एज हाइट का है, तो ये हमारे सिर पर क्या करेगा, दाब आरोपित करेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा डी जी एच। तो वायुमंडल जो होता है, हमारे सिर के ऊपर वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जो गैस हैं वो नीचे की ओर दाब आरोपित करते हैं। इस दाब का वैल्यू होता है DGH, जहाँ पर D उसकी डेंसिटी है, G गुरुत्वीय त्वरण है, और H उस कॉलम का हाइट है जो यहाँ पर आप देख रहे हो। जैसे हम पानी के अंदर डूब जाएं, तो पानी के अंदर नेक्स्ट क्लास में आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाने वाला हूँ, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हो, तो उसको समझने के लिए आपको सब ये ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि टोरिसोली ने इस बात के लिए प्रयोग किया, मरकरी को लेके, पारा को लेके, इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और टोरिसोली का प्रयोग भी कहा जाता है, या इनका प्रमेय नहीं प्रयोग कहो इनको एक तरह से, प्रमेय भी कह सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा है प्रयोग कहना। टोरिसोली एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। तो ये है, अब हम देखें कि इन्होंने प्रयोग कैसे किया था। मैं आपको समझा दिया कि वायुमंडलीय दाब होता कैसे है, तो टोरिसोली ने प्रयोग किस प्रकार से किया था इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इनके अरेंजमेंट को। उन्होंने एक कंटेनर लिया, ये उन्होंने कंटेनर लिया इस तरह से, मतलब एक बर्तन लिया, एक पात्र लिया, और इसमें उन्होंने भर दिया पारा, ठीक है, उन्होंने इसमें पारा भर दिया। सपोज ये मरकरी है, पूरा इसमें उन्होंने मरकरी भर दिया, इसके अंदर पारा भरा हुआ है। इसके बाद लिया उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, परख नली, इस तरह से एक परख नली लिया, और इस पूरे परख नली पर भी पारा भर दिया। सपोज ये पूरा पारा भरा हुआ है, ये व्हाइट कलर से मैं पारे को शो कर रहा हूँ, इसमें भी पारा भरा हुआ है, ये ले लिया। ध्यान से समझना मेरी एक एक बात। तो टेस्ट ट्यूब में उन्होंने पारा भर लिया, इसमें भी पारा भरा हुआ है और इसमें भी पारा भरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के जो सरफेस है, जो ओपन सरफेस है, जो मुंह है, उसको अंगूठे से दबाया, और अंगूठे से दबा के इसमें उल्टा उलट दिया। इसमें जब उन्होंने उसको उलट दिया तो किस प्रकार का कंडीशन बना देखो, तो जो कंडीशन बना वो ऐसा था, ध्यान से समझना। इस तरह से जब उसमें उन्होंने उसको उलट दिया, ये ऊपर पैक है, अब नीचे उल्टा उलट दिया उन्होंने, तो टोरिसोली ने क्या देखा कि पारा जो है वह नीचे गिरता है लेकिन यह कुछ ऊंचाई तक आके रुक जाता है, यह कुछ ऊंचाई तक नीचे गिरा और आके रुक गया, और जितनी ऊंचाई तक ये नीचे गिरा वो था 76 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 76 सेंटीमीटर था। अब चूंकि यहाँ पर पारा भरा हुआ था जो कि नीचे गिर गया, तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं बचा, तो वहाँ पर बच गया क्या, निर्वात, वहाँ पर हवा भी नहीं है तो निर्वात बच गया, और उसको हम टोरिसोली वैक्यूम कहते हैं, टोरिसोली का निर्वात के नाम से फेमस है वो जगह, उस जगह को हम टोरिसोली निर्वात कहते हैं, टोरिसोली वैक्यूम कहते हैं, ऐसा उन्होंने देखा। क्लियर एक्सपेरिमेंट आ रहा है समझ में आपको, एक कंटेनर में पारा भरा, एक परख नली में पारा भरा, परख नली में पूरा पैक पारा भरने के बाद उसके मुंह को अंगूठे से उल्टा करके दबा के नीचे उल्टा करके छोड़ दिया, तो पहले इसमें पूरा भरा हुआ था लेकिन जैसे इसमें उन्होंने उल्टा
तो क्या देखा कि पारा नीचे गिरा और नीचे गिरते गिरते एक निश्चित ऊंचाई तक आने के बाद वो रुक गया जो कि 76 सेंटीमीटर था और ऊपर में बच गया निर्वात जहाँ पर कुछ नहीं था। अब इस प्रयोग के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। इस प्रयोग से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर मान लो कोई बिंदु ए है तो बिंदु ए पर जो दाब है, बिंदु ए के ऊपर क्या है, एयर है, इसके ऊपर एयर है, तो बिंदु ए के ऊपर जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि ए के ऊपर वायुमंडल है, ये बिंदु ए के ऊपर है वायुमंडल। और ये पॉइंट यहाँ पर देखो, इसको बराबर में एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बी, तो ये जो बी पॉइंट है, ये जो आप बी पॉइंट देख रहे हो, इस बी पॉइंट पर दाब क्या है, इस थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। ए पॉइंट में ऊपर में वायुमंडल है, हवा है, क्योंकि ये खुला है, लेकिन बी पॉइंट पर देखो परख नली है और परख नली में ऊपर में पारा है, उसके ऊपर निर्वात है। मतलब यहाँ पर बी पॉइंट पर जो दाब है, वास्तव में बी पॉइंट पर जो दाब है वह 76 सेंटीमीटर का जो मरकरी है उसका दाब है। ए पॉइंट स्वतंत्र है तो ए पॉइंट पर जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब है, और बी पॉइंट चूंकि स्वतंत्र नहीं है, बी पॉइंट के ऊपर में पारा है और उसके ऊपर में निर्वात है, इसका मतलब बी पॉइंट पर जो दाब है वह 76 सेंटीमीटर का जो कालम बना हुआ है पारे का उसके दाब के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल पास्कल के अनुसार क्या हो जाएगा कि बिंदु ए पर दाब बिंदु बी पर दाब के बराबर होगा। ओके, तो क्या कह सकते हैं अपन इसको पास्कल के नियम से, मतलब आपको पहले ही मैं बता दिया था कि पास्कल के नियम के बगैर आगे का कोई टॉपिक बनता नहीं, सबने पास्कल के नियम को यूज किया, बेसिक प्रिंसिपल पास्कल ने ही दिया सबसे पहले तरल दाब को, उसके बाद वो आगे आगे वो होता गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि पास्कल के नियम में हम देखते हैं कि ए पर जो दाब होगा वह बी पर दाब के बराबर होगा, तो ए पर दाब बराबर बी पर दाब, ए पर दाब बराबर बी पर दाब। तो ए पर दाब क्या है, यह है वायुमंडलीय दाब, ए पर जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब है और बी पर जो दाब है वह 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब है। क्लियर लिख दिया हूं मैं कि कौन किसके बराबर है, यह बात मैं आपको बार बार, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि ए पर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और बी पर दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। तो वायुमंडलीय दाब बराबर, आगे हम इसको सॉल्व करें, तो पास्कल ने बताया था कि किसी भी द्रव का जो कालम का जो दाब होता है वह होता है dgh। यहाँ पर वैल्यू को हम पुटअप करें तो d क्या है, यहाँ पर पारे का घनत्व है, d क्या है, पारे का घनत्व है, और पारे का घनत्व होता है 13.6 × 10³, 13.6 × 10³ kg/m³, उसका यूनिट होता है, ये पारे का घनत्व है, और गुणित जी का मान रख दो आप 9.8, 9.8, और गुणित हाइट कितना है, हाइट है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 76 सेंटीमीटर, और 76 सेंटीमीटर को हम क्या करें, मीटर में चेंज करेंगे, क्लियर। तो 76 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.76 मीटर, 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में हो गया, क्योंकि आपको MKS में सॉल्व करना है। अब इसको सबको हम सॉल्व करें, आप गुणा करके देख लेना, तो ये आता है 1.013 × 10⁵, इतना आता है, और इसका यूनिट हम कहते हैं पास्कल, पास्कल वैज्ञानिक के नाम से इसका यूनिट कहते हैं पास्कल। तो ये है वायुमंडलीय दाब, और इसको हम कहते हैं 1 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 ATM मतलब एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब वह 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये वायुमंडलीय दाब का गणना किया। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आपको समझ के नेक्स्ट क्लास में आना है। मैं थोड़ा सा अगले क्लास में और इस पर बात करूँगा, मतलब टोरिसेली के प्रमेय में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से तैयार करके आओ। तो दो टॉपिक आज के क्लास का बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। पहला टॉपिक तैयार करना है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और दूसरा टॉपिक करना है टोरिसेली का प्रमेय। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, उसके बाद पृष्ठ तनाव। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, फिर लिक्विड, बड़ा चैप्टर है कंटिन्यूअस। जब हाइड्रोस्टैटिक हो जाएगा तो फिर अपन बर्नौली के प्रमेय और सब तरल गति गति करने वाले तरल को पढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक। स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं लाइव क्लास में, क्या बात है। सब स्टूडेंट कहाँ गए इस टाइम में, एग्जाम चल रहा है क्या। रो जी एच और डी जी एच का मतलब एक ही है, चाहे रो जी एच कहो चाहे डी जी एच कहो। यहाँ पर डी डेंसिटी है, डेंसिटी को हम जनरली तीन संकेत से प्रदर्शित करते हैं, रो से या तो डी से या तो सिग्मा से, तीन तरह से। मैं डी से जनरली कर देता हूँ, डी फॉर डेंसिटी, तो ज़्यादातर याद रहता है। लेकिन कहीं पर व्यास का जरूरत पड़ जाता है, डी फॉर डायमीटर, तो वहाँ पर हम रो यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप तैयारी करके आइए। आवाज़ बहुत कम आ रही है, ठीक है, देखते हैं इसको। ओके, थैंक यू सो मच।